महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार की सुबह छापा मारा। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे से ईडी की टीम अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापेमारी की। ईडी द्वारा की गई इस कार्यवाही से अनिल देशमुख की समस्याएं बढ़ने के संकेत जताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की टीम ने रेड डाली है। ईडी की टीम बीते 2 घंटे से देशमुख के घर पर छापेमारी में जुटी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी देशमुख के नागपुर स्थित घर पर चली। ईडी की टीम के साथ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाने के लिए नागपुर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसके पहले सीबीआई की टीम ने भी देशमुख से पूछताछ की थी। देशमुख फिलहाल नागपुर के घर पर मौजूद नहीं है, उनके पुणे में होने की खबर है। अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई करी है। प्रवर्तन निदेशालय देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करी है। और हमने प्रिकॉशन के लोकल सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए हैं। हमारी लोकल पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ मौजूद है और हम यहाँ मौजूद हैं। बस इसके अतिरिक्त हमें आपको कोई जानकारी अभी हमें नहीं दे सकती। महिला तो प्रदेश से किसी ने लगाई है, लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है, इसमें महिला भी शामिल है। कोई कारण और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती अभी। थैंक यू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।